जय जगन्नाथ। ज्योतिर्विद डॉक्टर प्रमोद पात्र, भाग्यफल कार्यक्रम कर्मकर्ता मान तरफ के न्यूज टीवी परिवार तरफ ओ मो निज तरफ समस्त दर्शक बंधु मान को स्वागत करुचि। आरंभ करवा कार्यक्रम बीज मंत्र सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्व बाधा प्रसंबरम लोकेश क्लेशपरी हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। भौतिक दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया आज्ञा, क्या विश्वास करिवे क्या अविश्वास करिवे दुई छकी आपण रहीगले। प्रवाद देखु धीर पाणी पथर काटे, तार विपरीत होगा बेग ही उन्नतिर लक्षण, क्या विश्वास करिवे। बिलिविंग एवरीबडी इज डेंजरस आपण ताली मारिकी स्वागत करिवे, ठीक से परी बिलिविंग नोबडी इज मोर डेंजरस। समस्त को विश्वास करवा विपज्जनक, समस्त को अविश्वास करवा अति विश्वास विपज्जनक। कहीं कथा कहली बापा माँ को विश्वास करवानी, भगवान को विश्वास करवानी, कर्मफल को विश्वास करवाना, निज उपर निजे आस्था रखानी, कोई प्रवाद जाक निर्भरशील होनी। क्या मत 77 वर्ष होगा 50 वर्ष आज्ञा, मोर ओडिशा बार काउंसिल लाइसेंस नंबर मोर है ओडिशा 163/1975 75 कल आज्ञा। निम्न अदालत छत्रपुर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर हाईकोर्ट पर्यंत आज्ञा, पखापाखि 49 वर्ष उपर 50 वर्ष चली। से परिप्रेक्षी में कह जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड आप समस्त जानते, कि सुप्रीम कोर्ट कहले जस्टिस हारिड इज जस्टिस बारिड, तरबरिया हवा उचित नुह विलंब करवा ठीक हम ना इन बिटवीन। एणु सबूक स्थिति अवस्थित परिस्थित उपर निर्भरशील। मैन कैन नॉट क्रिएट द सर्कमटेंसेस, सर्कमटेंसेस क्रिएट द मैन। मनुष्य परिस्थिति सृष्टि करनी आज्ञा, परिस्थिति ही मनुष्य को सृष्टि करते प्रकार आप कार्यकलाप देखु। कहीं 2000 मसीहा ठारू 2024 मसीहा होगा आज्ञा, निरंतर भाव निरविच्छिन्न अवस्था 24 वर्ष धरी 15 ऊर्ध विद्युत गणमाध्यम टीवी रे मुझे कहली आज्ञा। ये ज्योतिष शास्त्र विषय तो नुआ कथा नुह, किंतु नूतनत्व क्या विश्वास करिवे क्या ना, विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार उपस्थापना करुछन्ते का उपरे विश्वास रखिए आप ठीक प्रश्न पचार। आपण जो कहे 37 तो नक्षत्र 28 ना, 12 तो राशि 13 राशि ना, 9 तो ग्रह 10 ना, ताले भिन्न भिन्न टीवी रे बा गणमाध्यम रे भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न भाव में उपस्थापना करोटा ठीक कोटा भूल आप जाना कष्ट। एज एन एडवोकेट कह व्हाट इज एडवोकेसी आउट ऑफ टू ओपिनियन व्हिच इज ट्रू, दीटा मतरु कोटा ठीक सी है वकिलती। आप माछ बजार वाला कहे पर हाटर कहे ना विचारपति दक्ष विचारपति मंथन करे ग्रहण करे कौटा ग्रहण योग्य कौटा अग्राह्य ठीक से ज्योतिष कथा देखते विभिन्न भाव में विभिन्न प्रकार उपदान कर भयभीत भी कर जो भिन्न भिन्न भाव में जो कौन कहीं कौन ज्योतिष शास्त्र गोटे कला आर्ट किंबा गोटा व्यवसाय वाणिज्य कमर्स किंबा विज्ञान, बहुत लोग दावी करज्ञान बोली मुनोटी जाक जिनस आपण उपस्थापना करी मोर अनुभूति, बिकज एवरी एक्सपीरियंस इज अ लेसन एंड एवरी लॉस इज अ गेन। प्रत्येक अनुभूति गोटे गोटे शिक्षा फल क्षतिटा लाभ। आपण हेल्ला मोर विचारक आपण मूल्यांकन करेंगे ताको मुझे सम्मान देवी। कहीं एक कहली सबू पाठ आज्ञा, कला कहतु विज्ञान कहतु
ବାଣିଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଲ କୁହନ୍ତୁ, ଆଇନ, ଭେଷଜ ଶିକ୍ଷା, ମେଡ଼ିସିନ୍, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଥାଏ। ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ, ଟେନ୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍, ସବୁ ପାଠରେ ଅଛି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ହେଉଛି ମୁଁ କାଶୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି, ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତୀର୍ଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇଠି ଡିମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଥିରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଟାଏ ପେପର୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପୁରୀରେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ କାଳିଦାସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର। ମୋର କହିବାର କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁ ପାଠ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଶହେ ଗୁଣର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଦକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଗଲା ସେମାନେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ନାହିଁ। ଥର୍ମାମିଟର ବିଲ୍ ସ୍ପିକ୍ ଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ନେଇ ଦେର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ଫିଭର। ଥର୍ମାମିଟର କ'ଣ ଉତ୍ତାପ ତିଆରି କରିବ? ହଁ, ଜ୍ୱର ତିଆରି କରିବ, ସିଏ ସୂଚନା ଦେବ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ତାପରେ ଚିକିତ୍ସକ ତାକୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଉପଶମ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି କଳା ବୋଲି ନେବା, ଲିଭିଂ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ, ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, କହିବାର ବାକ୍ ଚାତୁରୀ, କିଛି ଲୋକ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, କାନଫୁଙ୍କା ପାଖରେ ବସିକି ମୁହଁର ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଉଦ୍ବେଗ ଦେଖିକିରି ସିଏ ପରମିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ବିନେସନ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ, ତାକୁ ଆମେ ଆର୍ଟ ବୋଲି କହିବା। କମର୍ସ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା କହିଲେ ବାଣିଜ୍ୟଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେନି, ଏଣୁ ସତଟାକୁ ସେମାନେ କହିବାକୁ ନାରାଜ, କମର୍ସ ବୋଲି କହିବି। ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ବିଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଫିଜିକ୍ସ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ର ପଚାରନ୍ତୁ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପି ଜି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଲେକ୍ଚରର୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ରିଡ଼ର୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଫେସର୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ହେଚ୍ଓଟିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଫିଜିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ। ଗଣିତ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମନେକର ଏକ୍ସ, ଗଣିତରେ କ'ଣ ମନେକର ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଶହେରୁ ଶହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପାଇଁ ଯେ କାହିଁକି ଜ୍ୟୋତିଷ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଶହେରୁ ଶହେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓକିଲାତି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। CBSE ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଉ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ, ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ ହଉ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ ହଉ, କାଉନସିଲ୍ ହଉ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ହେବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ହଉ, କାଉନସିଲ୍ ହଉ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ତାକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କପି ହେଇଥିବ, ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଥିବ, ଶହେରୁ ଶହେ ହେଲେ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶହେରୁ ଶହେ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବିଧାନସଭା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକସଭା କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ପୋଲ୍ ହେବ, ତାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନାଲିଫାଏ କରୁଛି, କ୍ୟାନସେଲ୍ କରୁଛି, ଯେ ମଲା ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବେ, ଲୋକ ଗାଁରେ ନଥାଇ ଫାଲ୍ସ ପର୍ସନେସନ୍ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଶହେରୁ ଶହେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହିସାବ ନିକାଶ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଣିତିକ ହିସାବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା ଶତକଡ଼ା 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଶହେରୁ ଶହେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କଥା କହିଲେ, ଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି,
ज्योतिष कौन जाना जो शनि हेले नैसर्गिक शुभ तुला राशि तुला लग्न पर चतुर्थाधिपति केन्द्राधिपति पंचमाधिपति कोणाधिपति भाव में योगकारक वृष लग्न वृष राशि नवमाधिपति कोणाधिपति भाग्याधिपति दशमाधिपति केन्द्राधिपति कर्माधिपति भाव में योगकारक किंतु शनि की तो सुंदर ये पाठ पलैला कड़े आपणकर सन्देह पड़ जाऊँच परमानेंट कम्बिनेसन तापर देखिए जो भाव आपको उपस्थापन करा बहु जगह कह ग्रह माने शत्रु घर रे खराब फल देवे उच्चर थे भल फल देवे खाली आपन को बुझेला कि अधिकांश ग्रह शत्रु घर उच्च मुदाहरण देवी आज्ञा मकर राशि गृह शनि घर से मंगल उच्च शनि मंगल परम शत्रु से उच्चर फल देवे ना शत्रुर फल देवे बृहस्पति हेले देवगुरु शुक्र हेले राक्षस गुरु मीन राशि गृह है बृहस्पति घर से आपण शुक्र उच्च सो परम शत्रु घर रही शत्रुर फल देवे ना उच्चर फल देवे ठीक से चंद्रंकर किए शत्रु ना कि शुक्रंकर शत्रु चंद्र वृष राशि गृह चंद्र उच्च चंद्र उच्च फल देवे ना शत्रु फल दे प्रकार विभ्रांतिकर तथ्य रहा आपण मैंने सन्देह पड़ुंट से मोर कहार अर्थ जे आपण स्थिति अवस्थिति परिस्थिति को मूल्यांकन करी फलाफल करेंगे ताल शतक 90% आसो 100 रु 100 प्रश्न उठूना नंबर एक नंबर दुई ज्योतिष कौन के भाग्य परिवर्तन कर हसबे कौटना भाग्य फल कार्यक्रम बस मत 77 वर्ष होगा 40 वर्ष ज्योतिष शास्त्र में गवेषणा कली 2000 रु 2024 मसीहा पर्यंत लगातार भाव में 15 रु ऊर्ध टीवी आज्ञा ऊर्ध आरंभ कली मुझे आपणकर सैटेलाइट नाला केबुल्स चलुला विभिन्न गणमाध्यम कहली मोर कहार अर्थ जो विभिन्न भाव में विभिन्न कथा आपण मानक केवल भयभीत करने ज्योतिष केवे कार भाग्य परिवर्तन करिवने आज्ञा जदि करता मुझक निजे प्रश्न पचार आपण उपस्थापना करुच्ची तार निजर भाग्य परिवर्तन करूनि निज परिवार लोकंर करूनि ताल ज्योतिष कौन ये भाग्य फल कार्यक्रम जन्म जातक जातक विचार विभिन्न आज्ञा ये तो 2000 रु 2024 मु प्रथम आसली तापर आप छतु फुटला टी छतु फुटला ज्योतिष आज्ञा समस्त कहले पाठ कि मोर कह कथा जे आपण माने आकु केते दूर ग्रहण करि पारिबे ज्योतिष केबे कार भाग्य परिवर्तन करि पारिबो नाही ताले कौन से ज्योतिष हला मार्गदर्शक दिग्दर्शक जस्ट लाइक जीपीएस आज्ञा जे आटलास रखुचे आज्ञा मैप विभिन्न देशर सीए जदि जलपथ स्थलपथ आकाश पथर जीव सी कहीं जीपीएस लगुचे सी पर आटलास देखिचे जो भाग्य कथा ज्योतिष है मार्गदर्शक दिग्दर्शक आप घर बाहर कामटा आपणकर पहुँचवा कामटा आपण हाथ में नाई कौन खाइबे आमिष कि निरामिष सांविधानिक अधिकार आपणकर अच्छी को पर्यंत पार्टी पर्यंत पार्टी भितर पशिगला कहे कि मंस भाई टी रक्तकानी पड़ा पनीर भाई टी अस्थिकानी पड़ा हेनी आज्ञा प्रत्येक जिनस पूर्व निर्धारित पूर्व निर्देशित एक कथा को आपण कहे जदि आज्ञा पर्व सब निर्धारित निर्देशित ताल आम कहीं जातक देखा गणना करवा कार्यक्रम देखा मोर कहार मुख्य उद्देश्य है गॉड इज नॉट द सोल ऑथर ऑफ आवर डेस्टिनी भगवान आम भाग्यर एकमात्र नियंता नुहंती वी आर ऑल्सो द को ऑथर ऑफ आवर डेस्टिनी आम मैंने सह नियंता इफ यू डू द बेस्ट देन गॉड विल डू द रेस्ट भल काम कले भगवान परिवर्तित करेंगे बारिपटे पनीपरिया सनफ्लावर तेल किए उपहार दे रोसे घर रखिले कौन तरकारी होगा पड़ो क्रू धातु आजिकल टू कृपा डू एंड गेट आनलेस डू हाउ कैन गेट इट सेमती सबको ने काठ चूला बा इलेक्ट्रिक चूला रखिले दाह हेनी आज्ञा अग्नि संजोग पड़ो सो प्रे गॉड हेल्प गॉड आम तो कहचे भगवान को गॉड आखिरी अर्थ है जीओडी
जी स्टैंड्स फॉर गो, ओ स्टैंड्स फॉर ऑन, डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटी। सो गो ऑन ड्यूटी इज इक्वल टू कर्ममय जीवन ही भगवान आज्ञा। गीताटा जगह आप देखिए प्रथम पृष्ठा शेष पृष्ठा, प्रथम श्लोक रु शेष श्लोक, समस्ताक अध्याय देखिए कौटी हिंदू शब्द लिखा जाए ना। तेणु ये हिंदू ग्रंथ नुह आज्ञा, ये हूँ कर्म संहिता कोड ऑफ कंडक्ट। मो अनुभूति रु कहबी जेहेतु कि 77 वर्ष होगा वकिलाती कली, 40 वर्ष ज्योतिष गवेषणा कली, मुझे गोटे पद से एड करी विचार कले आपण गीता इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल, समस्या समाधान ग्रंथ आउ किछि नहीं आज्ञा। कहीं आपको ये बुझेला पी कहली गीता आपणकर आमर दैनंदिन जीवन संविधान, स्वाधीनता हवा ठार आमर संविधान अच्छी केते थर तक परिवर्तन हो गला, किंतु जीवन चर्चा दैनंदिन जीवन को परिचालित करने आमर संविधान है गीता। जो गीता कथा मुझे कहली आपण को गीता आज पर्यंत संशोधन होना गोटे श्लोक चैलेंज दे कौचे शिक्षित उच्चशिक्षित अर्धशिक्षित अशिक्षित परिवर्तन करि परिवे नाही, किंतु गोटाए श्लोक मनुष्य को परिवर्तन करि दबो। इतरे तिरा चरित एकदम वास्तव चित्र आपनको कहबी ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र केवल आपनको मार्गदर्शक, भाग्य और कर्म गोटे मुद्रार दुईट पाख आगे, बिना भाग्य रे किछि हबो नाही, बिना कर्म रे किछि अभाव नाही। काहेकि ना भाग्य को भाग्यवादी हवाक सी कर्म करने को पड़े, समय तो मत स्वल्प 12 राशि कहवाक पड़ो, मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिचा धनु मकर कुंभ मीन राशिपाई गोचर प्रकार आज दिन किपर कटिव कहवाक पड़ो। किंतु मुझे भाग्य आ कर्म कथा कहली निश्चित भाव गोटे मुद्रार दुईट पाख, आपण कर्म करने को पड़ो, तापर भाग्य उपर निर्भरशील हवा पड़ो। बेले बेले लोके कहते जे आसला बेले कौन धरिकी आसलु जे गला बेले धरिकी सीटी रही आपणकर सन्देह, आसला बेले धरिकी आसते मु अंबानी घरे जन्म हेले, आपण माने पृथ्वीर धनी बिल ग्लेड घरे जन्म हेले, आम आमर भाग्य को नहीं विभिन्न घरे जन्म हो। जो कर्म करवा कर्म को नहीं गला बेले कौन नहीं पड़ गला बेले कर्म धरिकी जीवे आपणकर कर्म फल को नहीं पुणे आप घर जन्म हे पूर्व निर्धारित पूर्व निर्देशित आपड़े पचारे आज्ञा पूर्व जन्म अच्छी विश्वास केमती करवा आपण मैने कहते यार रोगग्रस्त हम हईराण हरकत हम पाप कर तेणुक जो छुआ प्रथम जन्म होन्म हो रोगक्रांत होकलांग कि पाप कर कि दुर्नति कर ये कर्मफल तेणु प्रारब्ध कर्मफल जातक रु न घर नि क्रियमाण लग्न रु नवम रु नवम पंचम है संचित कर्म तेणु ये संचित कर्म क्रियमाण एवं प्रारब्ध कर्मफल को भोग करने ज्योतिष शास्त्र प्राजल भाव लिखा जाने भाग्य और कर्म गोटे मुद्रार दुईट पाख। ये आज उपस्थापना समय तो सरी सरी आसुच्छे मुझको अन्य एपिसोड रे कह आज दिन की गोचर प्रकार मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन राशिपाई किपर कटो चुंबक उपस्थापना करुचु। प्रत्येक राशि तीन तीन टी नक्षत्र हुए 27 नक्षत्र, नक्षत्र को नहीं महादशा अंतदशा प्राणदशा सूक्ष्मदशा विचार करा जाए। कहीं कथा मुझे कहली बृहस्पति गोटे घर को चलन हाँपाई 13 मास, शनि गोटे घर को चलन हाँपाई 2 वर्ष 6 मास, राहु आउ केतु गोटे घर को चलन हाँपाई 1.5 वर्ष, संक्रांति रवि गोटे घर चलन 1 मास, जमी चंद्र जो घर रे राशि सेमती जो घर को रवि संक्रांति दिन चलन हे से ही संक्रांति से ही नाम नामित होता है। चंद्र गोटे घर को चलन 72 घंटा आपको दृष्टि रखी ये गोचर फल उपस्थापना करा जाऊँगी। तो आज विचार करवा मेष राशि 1/1 अश्विनी मेष, 2/1 द्विजा मेष, 3/1 कृतिका मेष पाई
ଯେହେତୁକି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି କୁଟୁମ୍ବ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଲାଭ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହିଲେ ଏଣୁ ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଗୃହରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୃଷ ରାଶି 3/2 କୃତିକା ବୃଷ 4/2 ରୋହିଣୀ ବୃଷ 5/2 ମୃଗସୁରା ବୃଷ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଯୋଗକାରକ ନବମାଧିପତି କୋଣାଧିପତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଦଶମାଧିପତି କର୍ମାଧିପତି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଗୃହ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଜୟଲାଭ କରିବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଶୃଙ୍ଖଳତା ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ସରଳ ସୁଗମ ହେବ ଏପରିକି ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମିଥୁନ ରାଶି 5/3 ମୃଗସୁରା ମିଥୁନ 6/3 ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ 7/3 ପୁନର୍ବସ ମିଥୁନ ମିଥୁନ ରାଶି ଠାରୁ ନବମ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେବେ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ହୋଇଗଲେ ବୃହସ୍ପତି କେବେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେମିତି ଦୁଧରେ ଯେତେ ଜଳ ମିଶାଇଲେ ତା'ର ଶୁଭ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବୃହସ୍ପତି 3ରେ ରୁହନ୍ତୁ 6ରେ ରୁହନ୍ତୁ 8ରେ ରୁହନ୍ତୁ 12ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚରେ କର୍କଟ ରାଶି ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନୀଚରେ ମକର ରାଶି ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଶୁଭର ମାତ୍ରା କମିଯିବ ଏଣୁ କୁମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଯେହେତୁକି ଶନି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଏକଦମ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ ପରିବାରରେ ସହଯୋଗ ସହମତି ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ପରିକଳ୍ପନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କର୍କଟ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 7/4 ପୁନର୍ବସୁ କର୍କଟ 8/4 ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ 9/4 ଅଶ୍ଳେଷ କର୍କଟ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ମୋ କଥା ପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା 1/4/1936 କୁଣ୍ଡଳୀ କାଟନ୍ତୁ ସେଇ ପୁନର୍ବସୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ଭାରତ ଯେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା କୁଣ୍ଡଳୀ କାଟନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଧନକାରକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାରକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ଏପରିକି ପ୍ରଗତିର କାରକ ଦୂରଯାତ୍ରାର କାରକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଲାଭ ଗୃହରେ ବୃଷ ରାଶି ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ସରଳ ସୁଗମ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଂହ ରାଶିରେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 10/5 ମଘା ସିଂହ 11/5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ 12/5 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦି ଲାୟନ୍ ନିଡ଼୍ସ ନୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି କୃତିତ୍ୱର ସହିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ
पूर्व उत्तर कोण को ईशान्य कोण कहुए ईशान्य कोण बासिंदा सहित पारंपरिक रीति रे सामाजिक चलन रे विवाह बंधन रे बांधि हेबा निश्चित देह सुस्थ रहिब प्रतिकार आवश्यकता नहीं। कन्या राशि बार बैछ उत्तर फाल्गुनी कन्या तेर बैछ हस्ता कन्या चौद बैछ चित्रा कन्या बहुत हंत संत होता आज्ञा प्रभु दयारू कन्या राशि पाई 1/5/2024 बुधवार दिन जो बृहस्पति चलन हले मेष राशि ठारु 13 मास नवम तथा भाग्य को वृष राशि को 13 मास मिथुन राशि को 10म तथा कर्म तापर कर्कट राशि को 13 मास तथा लाभ व इच्छा पूर्ण एणु कन्या राशि पाई से 12/6 उत्तर फाल्गुनी कन्या 13/6 हस्ता कन्या 14/6 चित्रा कन्या पाई बृहस्पति नवम दशम एकादश होता जो लगातार भाव में 3 वर्ष 3 मास अत्यंत शुभप्रद कि आम आज कथा चिंता करुचे जदि आज कथा चिंता करवा उद्यम सफलता मिल आर्थिक मेरुदंड सुदृढ़ रामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करे स्वतंत्र पूजा अर्चन मुख्य अंश ग्रहण करे पुरातन जान बाहन को विक्रय कर नूतन जान बाहन क्रय करे एपरिक एकाधिक स्थायी स्वीकृतिप्राप्त उपार्जन पंथा मल्टीपल बोनाफाइड एश्योर्ड इनकम फैसिलिटीज पाई निजक प्रतिष्ठित कराई पारे देह सुस्थ रहिब प्रतिकार आवश्यकता ना। तुला राशि 14/7 चित्रा तुला 15/7 स्वाति तुला 16/7 विशाखा तुला तुला राशि पाई शनि योग कारक चतुर्थाधिपति पंचमाधिपति भाव में मूल त्रिकोण ग्रह कुंभ राशि रही अत्यंत शुभफल भोग करेंगे जेहेतु बृहस्पति चलन होगले आपण अष्टम है अन्न भयभीत कराए अष्टम ग्रह है स्पेकुलेसन आर्थिक अभिवृद्धि अष्टम ग्रह है सट्टा बिना परिश्रम लॉटरी जुआ जो अर्जन करम स्थान है छिद्रु छिद्र बाहर करने रिसर्च PhD डॉक्टरेट क्षेत्र में जो मैंने अध्ययन करद्यम सफलता मिल कम परिश्रम करे अधिक उपार्जन क्षम हे आशा बास्तवत परिणत हो नूतन संपर्क कौन से वित्तशाली चित्तशाली क्षमताशाली व्यक्ति साहय सहानुभूति आंतरिकता आज मनोबल को द्विगुणित करदेव बहुमे उपार्जन क्षम हे प्रतिकार आवश्यकता ना। बिछा राशि 16/8 विशाखा बिछा 17/8 अनुराधा बिछा 18/8 ज्येष्ठा बिछा बिछा राशि पाई यहाँ पूर्व अत्यंत खराब समय था 2 वर्ष 6 मास स्थिति बदली गला 12 घंटा दिन 12 घंटा राति 15 दिन शुक्लपक्ष 15 दिन कृष्णपक्ष 24 घंटा जाक दिन नुह कि 24 घंटा जाक राति नुह 30 दिन जाक शुक्लपक्ष नुह कि 30 दिन जाक कृष्णपक्ष नुह एणु अत्यंत शुभ समय बिछा राशि 16/8 विशाखा बिछा 17/8 अनुराधा बिछा 18/8 ज्येष्ठा बिछा पाई 1/5/2024 बुधवार दिन जो बृहस्पति मेष रु वृष राशि को संचार कले बिछा राशि पाई सप्तम बृहस्पति है गृह में रही जाइए अविवाहित पुओ झीवों पर मांगलिक कार्य संपादन हो व्रत उपनयन करे घर पूर्णांग करे प्रतिष्ठा करे एपरिकि वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में मध्य उत्तर उत्तर उन्नति करवल बिछा राशि जो अहंकार क्षणकोपी जो बेले बेले निजे आ बेल मुझे मार पर विपद को आमंत्रण करे एणु स्वभाव परिवर्तन आनतु स्वभाव द्वारा अन्य को प्रवाहित करें स्वभाव आखिरी अर्थ है स्वरु स्वाधीन चिंताधारा बाहर भाषा बरु व्यवहार आपको जदि आप व्यतिक्रम नक संशोधित अवस्था रखिए समस्त आस्था भाजन हे प्रतिकार आवश्यकता ना। धनुराशि 19/9 मूलाधनु 20/9 पूर्व सड़ा धनु 21/9 उत्तर धनुराशि पर पंचम बृहस्पति थे ष्ठ हो गले शत्रु घर को चलीगले जेहेतुक निज लोक
रक्त संपर्क व्यक्ति विशेष माने उद्देश्यमूलक भाव में आपण को हैरान हरकत करने मिथ्या मनगढ़ा अभिसंधिमूलक उद्देश्य प्रणोदित भाव में आपत्ति अभियोग मान सृष्टि कराई आपणकर पदमर्यादे कलंकित सृष्टि करने उद्यम जारी रखिए किंतु किछि लाभप्रद हम ना कहीं मुझण को कहली धनु राशि कथा कहली जेहेतु उन्नीस बैन मूलाधनु कोड़े बैन पूर्व षड़ाधनु एक बैन उत्तर धनु राशि गृह ठारू तृतीय स्थान रे साहस विक्रम स्थान रे शनि कुंभ राशि अवस्थान करथुबा जगु शनि न्यायदाता दंडदाता क्षुद्रतर अपराध पई बृहत्तर दंड दबा पई पश्चाताप करंती नाही अणु निश्चित भाव रे प्रथमे प्रतिबंधक सृष्टि हेले मध्य परिशेषर फलाफल आपणक सपक्ष रे दिबो गॉड्स डिलेज आर नॉट डिनायल्स अणु बगलांक मंत्र पढ़िबे ओम ह्लीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जीवां किलय किलय बुद्धिं विनाश ओम ह्लीं फट स्वाहा बहुमात्रा रिष्टखंडन हेब मकर राशि तीनोटी नक्षत्र मकर माने कुंभीर कुंभीर है जलचर और स्थलचर जल रे स्थल रे मकर राशि एक बै दस उत्तरषणा मकर बैश बै दस श्रवणा मकर तेईस बै दस धनिष्ठा मकर पाई भल समय चलुला चलुची चलो एवं परिवर्धित होगले कहीं एक पाँच दुई हजार चबीश बुधवार दिन धनकारक उज्ज्वलमय भविष्य कारक मांगलिक कारक ग्रह बृहस्पति मेष राशि ठारु वृष राशि को संचार कले तेरह मास पंचम बृहस्पति है मकर राशि गाँ गहली कहूना आज मोर पंचम बृहस्पति संतान संतति माने दक्षता प्रतिपादन करी परिवार पाई प्रशंसार कारक हे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहा प्रतिद्वंदिता क्षेत्र में विजयी हे एपरिक संतान संतति निजे प्रतिद्वंदितामूलक परीक्षा कृतित्वर सहित कृतकार्य समस्त दृष्टि केन्द्रबिंदु हे जेहेतु कि मकर राशि कुंभ राशि पाई साढ़े सात शनि ना एणु शनि मूल त्रिकोण भाव में कुंभ राशि अवस्थान करापर दुई वर्ष छमास मीन राशि को जीवे एणु मकर राशि पाई आर्थिक वृत्तिगत स्वास्थ्यगत मांगलिक पारिवारिक सामाजिक भौतिक राजनैतिक एपरिक दूर यात्रा तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा क्षेत्र में आशा ठारु अधिक शुभ फल भोग करिवे देह सुस्थ रहिवो प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष भाव में अणु परमाणु प्रतिकार बा प्रतिषेधक आवश्यकता नहीं। कुंभ राशि तेईस बाय एगार धनिष्ठा कुंभ चौबीस बाय एगार शतभिषा कुंभ पचीस बाय एगार पूर्वभद कुंभ अत्यंत शुभ असंपूर्ण कार्य संपूर्ण करिवे परिवार रे शांतिर लहरी खेलिबो एकाधिक उपाय रे अर्थ उपार्जन करिवे ऋणमुक्त हे एपरिक कौन सी विश्वस्त अनुगत व्यक्ति सहित अंशीदार पार्टनरशिप डीड अंशीदार भाव में वाणिज्य व्यवसाय करने नोटरी पब्लिक पाखे पार्टनरशिप डीड पंजीकरण करिवार ष्ठ सूचना मिलुची जान बाहन क्षेत्र में उत्तर उत्तर उन्नति हे स्थित सुदृढ़ रोसी विश्वस्त व्यक्ति सहित मिलमिशि आमदानी रप्तानी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्षेत्र में व्यवसाय करने चुक्तिनामा स्वाक्षर करे देह सुस्थ रतिकार आवश्यकता शेष राशि आज्ञा मीन राशि पचीस बै बार पूर्व भद्रपद मीन छब्बीस बै बार उत्तर भद्रपद मीन सतैश बै बार रेवती मीन व्यतीव्यस्त हे ना भयभीत लोकेदे जेहेतु कि बृहस्पति धन स्थान तृतीय तृतीय है विक्रम स्थान बृहस्पति खराब फल दिखते शुभर मात्रा कमे ये गोचर फल जातकर जदि बृहस्पति पांच सात नह एगार ग्रह अवस्थान कर स्थिति आशा ठारु अधिक शुभ फल भोग करे शारीरिक सुस्थता अनुभव करिवे मानसिक शांति उपलब्धि हेबो उद्यम रे सफलता मिलिबो
दूरजात्रा करिवे कौनसी विश्वस्त अनुगत व्यक्ति सहित अंशीदार भाव पार्टनरशिप भाव वाणिज्य व्यवसाय करने निष्पत्ति ग्रहण करिवे। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आमदानी रप्तानी कहतु गृह उपकरण कहतु भेषज मेडिसिन संपर्कित व्यवसाय कहतु से ही व्यवसाय करने आज अमृत बेलें पार्टनरशिप पंजीकरण कर स्पष्ट सूचना मिलू देह संपूर्ण भाव सुस्थ रपरिकी आरोग्यता को परिवर्धित करने महामृत्युंजय मंत्र रे शिवंक पाखरे जलाभिषेक करंतु अन्य कौनसी प्रतिकार आवश्यकता नाही। आपण पत्र लिखि पारिबे प्रश्न पचारि पारिबे निजर नाम ठिकणा राशि नक्षत्र लिखि पत्र लिखंतु आमर ठिकणा नोट करंतु भाग्यफल के न्यूज प्लॉट नंबर 187 N/2 IRC विलेज नयापल्ली भुवनेश्वर 15। ये 12 राशि मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिचा धनु मकर कुंभ मीन राशि पाए आज दिन की गोचर प्रकार किपर उपभोग करेंगे समय सीमा मध्य चुंबक उपस्थापना खुली वर्तमान तो समय सरी जा विदाय तो नवा को पड़ो कि गोटाए सर्त आसंता काली आमर यही कार्यक्रम भाग्यफल कार्यक्रम केवल के न्यूज टी जरिया आपण मान सहित मोर देखा साक्षात होम नमः शिवाय।